वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है ओवैसी साहब? हमने देखा आपने वैक्सीन की डोज लगवाई है, आपके राज्य में तेलंगाना में क्या स्थिति है? क्या सफिशियंट डोज है, या फिर तेलंगाना भी खुद ही ऑर्डर कर रहा है, जो कि अनेक राज्यों को कहा गया करने के लिए? बाबा देखिए, तेलंगाना की कैबिनेट ने, तेलंगाना की सरकार ने ग्लोबल टेंडर का ऑर्डर दिया है। अभी तक तो हमको नहीं मालूम कि कितना ग्लोबल टेंडर में आगे बढ़े हैं, मगर मैं आपसे एक ही बात देश की जनता को बताना चाह रहा हूं कि 4.5 महीने में मोदी सरकार ने सिर्फ भारत की पॉपुलेशन के 3.2% लोगों को दो डोसेस वैक्सीनेशन के मिले हैं, 4 करोड़ 30 लाख, और एक डोज जिसको मिला है भारत की जनता को वो 16 करोड़ 55 लाख के करीब है। 4.5 महीने में हमने ये किया है। अब आप बताइए कि दूसरी तीसरी वेव के लिए, अगर खुदा ना खास्ता तीसरा वेव आता है, अगर आता है, ना आए हम तो दुआ करें कभी ना आए, कोई वेव ना आए, तो हमने क्या तैयारी की है? 4.5 महीने में हमने सिर्फ भारत के 3.2% लोगों को डोज लगाया है। डोज तो है ही नहीं ना बाबा, पूरे स्टेट गवर्नमेंट पुकार रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, डोज नहीं है। मगर सरकार देखिए, आज एक न्यूज मैंने देखा एनडीटीवी पर, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार ने मोडेर्ना और फाइजर को इंडेमनिटी के साथ उनको इजाजत दी है। इनकी इन, इनकी इनका विजन देखिए, कितना नाहिल है ये लोग, कितने इनकेपेबल है ये लोग। दिसंबर में फाइजर भारत को आकर कहा कि आप इंडेमनिटी दीजिए, दिसंबर 2020 को हम तैयार है देने के लिए। आप जून में दे रहे हैं ऑर्डर, जून में राजी हो रहे हैं। अगर आप दिसंबर में कर देते तो अब तक वैक्सीन मॉडर्ना फाइजर आ जाता ना देश के पास, आप करते ही नहीं है। अच्छा, ये एक एक कह रहे हैं कि 213 करोड़ दिसंबर तक आ जाएंगे, फिर झूठ कह रही है सरकार। बाबा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चाहे वो बायोई हो, जाइडस कैडिला हो, नोवैक्स हो, भारत बायोटेक का नेजल वैक्सीन हो, जिनोवा हो, बाबा ये दिसंबर तक 213 करोड़ लगाएंगे, आप कहां से लाएंगे, कैसा करेंगे आप? हम भी चाहते हो जाए, मगर कहां है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है ना, आप तो तैयारी नहीं की उसके लिए, और देश को झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अरे लाशों के अंबार लग चुके हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि सेकेंड वेव में 4-5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है सिर्फ कोविड से। पूरे देश का मीडिया कह रहा है कि एक हिंदी अखबार कहता है कि 2000 लाशें तो सिर्फ यूपी में निकली हैं। आप बताइए कि कैसा हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार सोती रही, बाजा बजाती रही, ये सरकार मोदी जी आकर कहे कि ये पार्लियामेंट में मैंने बैठकर सुना जब प्रेसिडेंट डिबेट हो रही थी कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। अरे कहां के कामयाबी हासिल की, ना वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिए, ना वैक्सीनेशन आज मौजूद है, और सुप्रीम कोर्ट को बाबा मई में मोदी सरकार एफिडेविट के जरिए कहती है कि दिसंबर 2021 तक हम 75 करोड़ वैक्सीन को प्रोक्योर करेंगे, और पॉल साहब कहते हैं कि 213 करोड़। अरे भाई 213 करोड़ कहां से आने वाले हैं, आज अमर बताए तो सही, आप कितना भरोसा करेंगे इनकी बात का? लेकिन तो ये चीजें हैं जिस पर देश की जनता को बड़ी सीरियसली इनको सोचना पड़ेगा, इन तमाम चीजों को।